तो गाइस, अगर आप भी कम बजट में अपने डॉगी को अच्छा हेल्थ बनाना चाहते हैं, उसकी हष्ट पुष्ट देख सकते हैं। ये टाइगर है अपना, गाइस इसको लग रहा अभी दे दे। तो गाइस इसको जो ला के आप और पानी अपना कुकर में थोड़ा जो चीज़ आपके पास में बर्तन में रख दें, वो पानी को अच्छा उबल जाने दें। पानी जब उबल जाए इसके बाद में जो चिकन है उसमें डाल दें, ज़्यादा नहीं, ओनली 2 मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट तक का उसके अंदर रहने दें। इसके बाद निकाल के तो फिर थोड़ा सा चावल में मिक्स करके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैं करूँगा। ये देख सकते हैं पानी अभी थोड़ा हमारा खोला नहीं, खोल रहा है, अच्छी तरह से आग कर दिए जा रहे हैं। इसके बाद में इसको हम पानी में डाल देंगे और अभी जो है थोड़ा सा इसको खिलाएंगे, देखिए किस तरीके। ये भी खा लेता है, ऐसा नहीं खाता हो, खा चुका, लेकिन कच्चा खिलाने में दिक्कत रहती है, डाइजेशन जैसे नहीं हो पाता, पच नहीं पाता पेट में और रह जाता है, इसलिए इसके गर्मियाँ भी हैं। तो थोड़ा चावल के साथ ही खिलाएंगे, इतना है अब इसके लिए पर्याप्त है, एक डॉगी के लिए आपके, वो भी छोटा भी है अभी, तो अभी उबल जाए, अभी हो रहा है, इसके बाद में डालेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं पानी इतना तेज़ हो चुका है, अब इसके बाद हम इसको अंदर डाल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी उबलते पानी में इनको डाल दिया है, और ये देख सकते हैं आप इसके जो पंजे हैं आप सही से पक रहे हैं, 5-6 मिनट के करीब हो गया। अब इसको निकालेंगे, तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो चिकन है, ये देखिए इसमें जो डंडी हमारी है जा रही है आराम से, और ये देख सकते हैं मुंडी है, डॉग के लिए आराम से बढ़िया पर्याप्त है, और ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं खिलाना है तो उसको दिक्कत जाए आगे चल के। चावल तो आपको पता ही है हमारे यहाँ कितना बनता है, क्योंकि डॉगी बाहर भी रहते हैं काफ़ी, उनको भी देना पड़ता है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जो है जो गर्दन मुंडी होती है ना उसकी सिर, इसको थोड़ा थोड़ा पीस सकते हैं चावल में मिक्स करने के लिए, तो आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं, देख सकते हैं ये देखिए। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये ऐसे भी पूरा खा रहा है, ये देख सकते हैं ऐसे भी खा रहा है, लेकिन चावल के साथ देने में थोड़ा और सही रहता है। ये हमारे टाइगर का खाना, ऐसे ही नहीं, वो मेरी बॉडी गार्ड है, इतना सब कुछ खाता है। और आप लोग देख सकते हैं बगल में एक वीडियो चल रही होगी, उसमें भी चिकन है, वो भी खाता है पूरा। तो गाइस चावल जो है ठंडे हो रहे, जल जाओगे, ठंडा है, चावल को ठंडा करते हैं, इसके बाद में देते हैं इसको मिला के। चावल ए सन बैठ जा, पता ही नहीं। तो ये है चावल, और इसको हमने ठंडे करने के लिए तसले में डाल दिए थे, अब जो है इसको हम डालेंगे इसमें, इसके हिसाब से इसको हमने पूरा मिक्स दिया कि इसके गले में नाट के, देख सकते हैं ये है पूरा, और इसको पूरा छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दिया है इसको हल्का हल्का करके। अब इसमें डालेंगे चावल, ये चावल ठंडे हो गए हैं पूरे, जितना आपका डॉगी चावल खा ले, क्योंकि अभी हमारा तो इसमें भी रखा है, क्योंकि बाहर देने जाना पड़ता है, डॉगी वगैरह रहते हैं बाहर भी, तो मैं इसको डाल रहा हूँ चावल, देख सकते हैं गैस कैसे बैठा हुआ है खाने के लिए, तो डाल के बढ़िया मिक्स करना है। क्या है सेट? 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 क्या है, अभी खाना चाहिए क्या, भूख लगी है? अच्छा? बन तो रहा यार, बन गया, थोड़े रुक लो, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। खाने के लिए आप देखेंगे इसको, मैं रखता हूँ खाने के लिए, ये देखो। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से खा रहा है, आराम से बिल्कुल पूरा मिक्स हो जाता है ना, तो थोड़ा चिकन और चावल पूरा आराम से खाता है, और इसीलिए आप भी अपने डॉगी को खिला सकते हैं, कि आप चिकन ले सकते हैं तो चिकन भी खिला सकते हैं, तो उसको भी खिला सकते हैं। मैं तो पंजे कभी कभी ये भी खिलाए, तो कभी चिकन भी खिला देता हूँ, हर चीज़ दोनों चीज़ खिलाते रहता हूँ। तो गाइस इसने जो है पूरा अपना ख़त्म कर लिया, देख सकते हैं पूरा जो है ख़त्म कर चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। और ऐसी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन जो वहीं पर बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जहाँ से हमारी वीडियो डलेंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए टाटा बाय बाय।
तो गाइस इसने देखते देखते देख सकते हैं पूरा ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा और बढ़िया आराम से खा चुका है आपका डॉग। बस आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है कि आप बहुत सारा दे दें तो उसको नुकसान हो जाए, तो इसलिए आपको जो है आराम से देना है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं देना है। बस थोड़ा देख सकते हैं पूरे चावल के साथ, अगर आप थोड़ा दही डालना चाहें तो दही डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है।